बाकी भी एक था तरफ इस सिंदूरी रेंजर्स कंपनी के बराबर में शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम की तरफ से कमंद का घास दिया जा रहा है जो ये नीलगाय खा रही हैं, और हमारे इधर रेंजर्स के जवान जो हैं वो इनकी हिफाजत करते हैं और इनको भी अल्लाह जज़ाकअल्लाह और शेख अहमद जो दे रहे हैं इन जानवरों के लिए एक सवाब का काम है, अल्लाह उनको भी इसका अजर देगा क्योंकि इस साल थरपारकर के अंदर बहुत कहत है, बारिश है नहीं, बारिश नहीं है तो इसकी वजह से जंगल के अंदर बिल्कुल इनके खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है और ये बेचारे तड़प रहे जब आगे पीछे भागते हैं। लेकिन आज तारीख है 17 जनवरी, तो एक ट्रक हमने नौकोट से मकई इसका गन्ने का भरा के दूसरी जगह भी हमने भेजा है जिसमें विलेज खारोड़ो है, उसके नज़दीक है, दूसरा विकासर है, तीसरा अपना मालाड़ो विलेज है, विलेज के साथ जो बॉर्डर साइड पे जहाँ पे ये रहती हैं वहीं पे हम ये घास वगैरह सप्लाई करें। वो एक यूडी गाड़ी है, उसके अंदर वाइल्ड लाइफ का स्टाफ निमरो खाना उसके साथ गया हुआ है, तो ये अल्लाह का एक शुक्र है कि जानवरों को पानी और घास जो जंगली जानवर है खास करके इनका अल्लाह के सिवा और कोई मालिक नहीं है। तो अगर हम ये डिपार्टमेंट और रेंजर्स और सब मिलके लोकल विलेजर्स करें तो बेहतर रहेगा, लेकिन फ़िलहाल ये शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम दुबई जिन्होंने हमसे कहा है कि, और मैंने इसमें ख़ास करदार जो है हमारे साथ तावन करने का वो है मिस्टर जस्मीन जो इंचार्ज हैं और दो इनके शेख अहमद के कैंप के, उन्होंने ये हमें इजाज़त दिया और ये हमें प्रोवाइड करा के दिया और अल्लाह उनको भी अजर दे। शुक्रिया।